हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का एक पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट वन भाषा, उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। आओ बैठो, कर लो बात, हंस लो गालो, लिख लो साथ, कथा कहानी या मन की बात, भाषा देती सब में साथ। यही हमारे पाठ का नाम है, पाठ एक भाषा। भाषा मतलब लैंग्वेज। पुराने समय में जब लोगों को बोलना नहीं आता था या अर्ली मैन को बोलना नहीं आता था, तो वो अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे? ये है अर्ली मैन का चित्र। पुराने समय में इसको अगर बोलना नहीं आता था, ये जंगलों में रहते थे, तो आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते थे? एक की बात दूसरा समझता कैसे था? तो उसकी वो भाषा को वो या तो पत्थरों पर चित्र बनाते थे, तब समझाते थे अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने व्यूज को, अपनी थिंकिंग को, वो सब इस तरीके से दिखाते थे। तो इसकी यही परिभाषा है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। हम क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या हम बोल रहे हैं, दूसरा क्या सुन रहा है, ये सभी भाषा है। तो इसकी परिभाषा शुरू करें। सबसे पहले है परिभाषा। परिभाषा का मतलब है डेफिनेशन। परिभाषा डेफिनेशन, अपनी बात या अपने विचार, अपनी बात या विचार। एक दूसरे को या एक दूसरे तक पहुंचाने के ढंग को या पहुंचाने को, पहुंचाने के ढंग को या पहुंचाने के तरीके को, स्टाइल को भाषा यानी लैंग्वेज कहते हैं। भाषा जैसे मैं अब इस समय आपसे बात कर रही हूँ, आपको मैं पढ़ा रही हूँ और आप उसको सुन रही हैं, आप उसको समझ रही हैं, ये भी एक भाषा का तरीका है। किसी भी बात को दूसरे को पहुंचाना कि वो दूसरों को समझ में आ जाए, वही भाषा कहलाती है। इसी भाषा के दो रूप हैं, भाषा के रूप, इसी भाषा के दो रूप हैं, लिखित भाषा यानी रिटन, रिटन लैंग्वेज, रिटन, कुछ भी आप लिखते हैं वो है लिखित भाषा। दूसरा है ओरल यानी मौखिक, मौखिक भाषा यानी उसका ओरल। ये मेरा फोन है, अगर इस फोन पर आपने बात की है, मैंने बात की है और किसी ने सुना है, ये है इसका ओरल, इसकी मौखिक भाषा यानी बोलना और सुनना, ये दोनों ही आते हैं मौखिक भाषा। आप फोन पे करें, एफएम रेडियो सुने, मोबाइल सुने, कोई सॉन्ग सुने, मम्मी पापा से बात करें या टीचर से बात करें या फ्रेंड से बात करें, पार्क में बात करें, फ्रेंड्स आपको सुने, ये सब मौखिक है यानी ओरल है। जब स्कूल में आपका रेसिटेशन कंपटीशन होता है या पोइम आप असेंबली में सुनाते हैं, वो भी उसी की मौखिक भाषा का रूप है। अगर आप लिखते हैं कुछ या पढ़ते हैं, ये न्यूज़पेपर है, इसमें लिखा हुआ है, अगर हमने इसको पढ़ा, इसको जोर जोर से पढ़ा, तो ये है रिटन लैंग्वेज। अगर मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा, कुछ भी लिखा, अगर आपने नोटबुक में कुछ लिखा, वो भी है उसका लिखित भाषा, उसका रिटन पार्ट, यानी रिटन के अंदर आता है, रिटन के अंदर दो पार्ट हैं, एक है पढ़ना और एक है लिखना, यानी रीडिंग एंड राइटिंग, और
मौखिक भाषा के अंदर आते हैं बोलना और सुनना, यानी स्पीकिंग एंड लिसनिंग। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप है, पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के रूप है। ये सब मिलाकर कहलाते हैं भाषा, यानी लैंग्वेज। अगर हम पुराने समय में जब पुरानी साइलेंट मूवीज होती थी जिसमें आवाज नहीं आती थी, उन मूवीज को हम देखते थे तो हम समझ नहीं पाते थे, कोशिश करते थे उनके एक्शंस को समझने की, क्योंकि उसमें किसी लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता था, उस पर प्रयोग नहीं किया जाता था किसी भी भाषा में। आज भी ऐसी मूवीज हैं, पुरानी फिल्म है ऐसी, लेकिन जब आवाज आई, आवाज में जब ये किया गया तो ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया और हमको जल्दी अच्छे से समझ में आता है। तो यही भाषा के दो रूप है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसका अगला पार्ट है भाषा, और भी होती है जिसे भाषा तो नहीं कहा जाता लेकिन उसको भाषा का रूप बोला जाता है। आप सड़क पे जाते हैं, आपको ये ट्रैफिक मैन दिखाई देता है, वो कोई भाषा नहीं बोलता, या तो विसल बजाएगा या हाथ से इशारे करता है कि आप लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, जेब्रा क्रॉसिंग यूज कीजिए, या कुछ भी आप इस तरीके से यूज कीजिए। बोलता नहीं है लेकिन फिर भी हमको उनकी बात समझ में आती है। इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ये आजकल ये भाषा का एक रूप तो है लेकिन इसको भाषा का एक प्रकार नहीं बोला जाता, ये है साइन लैंग्वेज। सांकेतिक भाषा जिसके अंदर आपके जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं, डेफ एंड डम पीपल हैं, वो हाथ के इशारों से बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज कहलाती है साइन लैंग्वेज। वो साइन और इशारों में बात करते हैं, उसको भी बहुत बोलते हैं कि एक साइन लैंग्वेज है। जैसे आप सड़क पर जाते हैं, जब आप रोड पे जाते हैं तो वहां लिखा होता है, वहां पर देखिए अगर एक साइन ऐसे बनाया जाए लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं है, ये आपको लेफ्ट टर्न करना है रोड पर यहां पर लिखा होता है क्रॉस, इट मींस नो लेफ्ट टर्न। इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसमें कोई लैंग्वेज यूज नहीं की गई है, यहां पर कोई साउंड नहीं आ रही है, लेकिन हमें ये साइन का मतलब पता है कि हमें लेफ्ट नहीं मुड़ना है। ये भी इसी भाषा का रूप है, ये भी सांकेतिक भाषा है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी भाषा का रूप है। हर एक देश में भाषाएं बोली जाती हैं, पूरी दुनिया में 6500 पूरी दुनिया में भाषाएं बोली जाती हैं, अराउंड 6500 भाषाएं जो बोली जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। कैसी भाषा है? अगर चीन के लोग रहते हैं, ये एक देश है, आजकल बहुत सुना होगा आपने, यहां पर बोली जाती है चाइनीज लैंग्वेज, यानी चीनी भाषा। अगर वो लोग जापान में रहते हैं तो वो बोलेंगे जापानीज लैंग्वेज, यानी जापानी भाषा। अगर वो फ्रांस में रहते हैं तो वो बोलेंगे फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज। ये अलग कंट्री और अलग भाषा, हर एक देश की अपनी कोई ना कोई भाषा होती है। हमारे देश में अब ये अलग अलग देश में भाषा है, और हमारा भारत बहुत बड़ा है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, यहां पर भी अलग अलग भाषा बोली जाती है। अगर हम बिहार में जाते हैं वो बिहारी भाषा बोली जाती है। भारत में, अगर हम भारत में हैं, भारत में अगर हम पंजाब में रहते हैं तो वहां पर बोली जाएगी पंजाबी भाषा। अगर हम राजस्थान में हैं, वहां पर बोली जाएगी राजस्थानी भाषा। अगर हम गुजरात में हैं तो वहां बोली जाएगी गुजराती भाषा। ये है अलग देश अलग भाषा, ये हमारा देश हमारी भाषा, सभी जगह ये भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं।
और भारत में भी बहुत सी भाषाएं हैं जिन्हें सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है कि आप ये भाषा आप बोल सकते हैं, या लिखी गई है हमारी उसमें कि ये भाषाओं को सब भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये इनके भाषाओं के अलग अलग रूप हैं, लेकिन ये सभी भाषाएं